राकेश भैया कौन फिल्म की शूटिंग कर रहा था? फसल फिल्म बना था। अच्छा, तो फसल के चोरी कर रहे हैं कि फसल की रखवाली कर रहे हैं? ये सब हम लोग का फसल है और हम लोग फसल नहीं, जो आपके बीच में जो मेहरारू भौजी बाड़ी जो चोरनी टाइप के शक्ल का है बने लोई, बहुत अच्छी कलाकार रही कविता जी, हमारे फिल्म में मेहरारू बने बाड़ी। अच्छा, हमने कही धान रोप ले रही है, धान के फसल तैयार। आई देखिए जो लड़के बाजू में ये भी चोरी करता, हम देखे थे रात में। अरे चोरों पे ना ना मजदूर है। समय भैया फसल बढ़िया भैल बा? एकदम फसल बढ़िया भैल बा। हाँ भैया, की अरे दाम भी हमने के बहुत अच्छा मिली। हाँ। अब देखा तनी कि दाम खातिर का का होता है, लेकिन ये आदमी बेमान है, दाम लेने देने देता, ये फ्री में देता धान जाके मंडी में। मैंने फ्री में मंडी में जाके बेच लिया सही रेट पे ना, सरकारी रेट पर। कविता भाभी आपका क्या राय है? हमारा राय है कि सरकार जो एमएसपी की व्यवस्था है उसको बरकरार रखे और किसानों को उचित मुआवजा मिले उनके फसलों का, बड़ी मेहनत से फसल उगता है। अच्छा, पूरा फसल बनाने में किसका भूमिका है बताएं? ये फसल बनाने में एक सबसे बड़ी बात देश में किसानों का जो मुद्दा है पिछले दो सालों से बहुत ज्यादा है, तो किसानों के उसी मुद्दा को, उसी पीड़ा को, उसी व्यथा को दर्शाती हम लोगों ने प्लॉट तैयार की और निरहुआ इससे बेस्ट कास्ट हो ही नहीं सकता, तो निरहुआ को हम लोगों ने कास्ट किया और किसान के उस मुद्दे को जो आज देश में एक आंदोलन के रूप में चल रहा है हम लोग फिल्म के माध्यम से दिखाई। और कौन कौन उसे इसमें जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? डायरेक्टर बहुत ही टैलेंटेड मिस्टर पराग पाटिल है, जो आजकल लगातार हिट पे हिट हिट पे हिट बहुत और सार्थक फिल्में बना रहे हैं वो है। दूसरा हमारे प्रेम राय जी एक सेंसेबल प्रोड्यूसर है जो काफ़ी अच्छी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, और डीसी के साथ अमरपाली दुबे है इसमें, संजय पांडे जी है इसमें, विनीत विशाल है इसमें, शंभू जी हैं, सुरेश जी हैं, कविता जी हैं। अच्छा, कविता जी भी है, ये फिल्म में काम कर रही है? मैं फसल मूवी में काम कर। तो धान काट के कैसा लगा आप दोनों को? मुझे ये एहसास हुआ कि जो अभी हमने थोड़ी देर में सीन में जो काटा ना, सच में हमें इतनी मतलब लगा क्या मेहनत कर रहे हैं। मजदूर तो इससे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सच में बहुत मेहनत है। मैंने देखा आपको हाथ में खुजली हो रही थी, मेरे रेड रेड हो गए, तो ये सोचो किसान कितना परेशान सुबह से लेकर शाम तक काटते हैं, पता चलता है किसान बहुत मेहनत करता है। वो सही कहते हैं कि खून पसीने की कमाई है। करेक्टर क्या आपका कैसे इसमें? इसमें करेक्टर है मोहन जो मेन प्रोटैगनिस्ट है किसान है, और जो उसका दर्द है वही हमारा दर्द है, हम उसका पड़ोसी का किरदार निभा रहे हैं। मोहन का जो पड़ोसी जो हर सुख दुख में उसके साथ होता है, मैं मेरी बीवी कविता जी हमेशा अमरपाली दुबे और दिनेश जी के करेक्टर के साथ खड़े होते हैं, और उनका दर्द हमारा दर्द सेम है, चूंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं, हम समाज के उस हिस्सा से बिलोंग करते हैं जो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाता है, लेकिन जो हमारा हीरो है वो सरकार से जवाब मांगता है, वो अपनी आवाज़ को उठाता है और हम हर तरीके से उसका साथ देते हैं। आप क्या करेक्टर कर रहे हैं? समझिए, मैं भी एक किसान ही हूँ गाँव में, और हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारी चीजें जो देश में कानून है।